लेकिन आप कभी आपका मन नहीं करता कि मैं छुट्टियों पर जाऊं, कहीं विदेश जाऊं, बीच पर थोड़ा बैठूं? विदेश में लंदन गया था कथा करने, मैं बाहर जाता हूं कथा करने जाता हूं। मैं खुश हो गई, कहते बीच में मैं लंदन गया था, मैंने बोला यस घूमने, कहते कथा करने। क्योंकि एक लॉजिक है सर, हम मानते हैं कथा आप प्रभु की भक्ति है, पर आपका भी तो बनता है कि आप घूमने जाए, आप हॉलीडे करे, आप दो दिन रिलैक्स करे। आप बताइए आपको कहाँ जाना, आपको आपकी बहन लेके जाएगी, मजा करेंगे वहां पर जाके। नहीं बट आप कहीं जा सारे सवाल बहन पूछेगी उधर। नहीं मेरी बहन तो अच्छी है भारती, और मेरा देखिए मन ही नहीं होता कहीं, मेरा ना एक एक मिनट ना मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं एक बात बताऊं, मैं दो चीजें सबको बोलूंगा, आपको भी और आपके सारे दर्शकों को, देखो दो चीजें बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो, पहला समय बर्बाद मत करो और दूसरा अपने काम से खूब प्यार करो। जो काम करते हो आप, जो भी आप करते हैं, जो भी ईश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है, उसे इतना प्यार करो, इतना प्यार करो। मैं अपने काम को, मैं भागवत जी करता हूँ, भगवान की कथा सुनाता हूँ, मैं अपने काम से इतना प्यार करता हूँ कि यदि मैं कथा ना सुनाऊँ तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। मैं एक बात बता दूँ आपको, आज पहली बार, यदि मैं कथा ना सुनाऊँ, यदि कोई कह दे कि आप कथा नहीं सुनाएंगे अब, तो आप ये समझ लीजिए मैं मर जाऊंगा। ऐसे मत बोलिए, मतलब इतना इतना प्रेम है कि क्या बताएं, मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकता सच में। ये तो ऐसा लग रहा कि मन की जब मैं सोता हूँ, कई बार मैं सपने में कथाएं कहता हूँ सपने में, और सपने में कई बार मुझे ऐसा सत्संग हो जाता है संतों का, सपने में पता नहीं कहीं भी जा सकते हैं, तो बहुत सारी बातें ज्ञान की मेरे को सपने में मिल जाती हैं, जो मैं बाद में बताता हूँ कि देखो आज मैंने सपने में ये पाया। कभी भगवान का दर्शन मैं कर लेता हूँ, कभी मैं तीर्थों का दर्शन कर लेता हूँ स्वप्न में। तो मैं स्वप्न में भी अपने काम से ही सोता हूँ कि सपने भगवान ही प्रभु आज सपने में आइएगा, दर्शन दीजिएगा और कुछ मुझे रास्ता बताइएगा, तो वो सपने में मार्गदर्शन मिल जाता है। 100% इस बात से बिलीव करता हूँ, क्योंकि आप कभी कभी जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत मंथन करते हैं, और आप जब रात को सो जाते हैं तो वो विचार हकीकत में बनकर आपको, आप एक अलग डायमेंशन में चले जाते हैं। इसलिए सब आजकल क्या है ना, लोगों को लोग कहते हैं महाराज जी हमारा काम में मन ही नहीं लगता, लोग क्या कहते हैं महाराज जी हमारा काम में मन, अरे भाई जब मन ही नहीं लगेगा तुम सफल कैसे होगे? काम से प्यार करो तो काम आपसे प्यार करेगा और वही काम आपको सफल बनाएगा। yes. इसीलिए जब आपको प्यार नहीं करते, yes. जैसे आप कॉमेडी करती हो बहन, जब आप करती हो कॉमेडी तो आप ना प्यार करती हो ना अपने काम से, दिन रात उसके बारे में सोचती हो, तब आप अच्छा कर पाती हो। जब आप काम से प्यार करती हो ना तो वो काम भी आपसे प्यार करने लग जाता है और वही काम आपको सफल बनाता है। यदि आप सफल हैं तो इसलिए कि आपको अपने काम से प्यार है, सच में बहुत प्यार है। आपने जो कहा ना कि अगर मुझे थोड़े दिन कॉमेडी करने ना मिले या शूटिंग करने ना मिले, हाँ। तो शायद मैं भी मर जाऊंगी या मैं बीमार पड़ जाऊंगी। हाँ। पीछे जी ऐसा वक्त था जब कोविड में काम नहीं करते थे हम, तब सच में हमारी मेरी मैं उदास रहती थी, मुझे ऐसा लगता था सब था, घर था, पति था, प्यार करते थे सब लोग, पैसे भी थे, कोई ऐसा भी नहीं था, पर ऐसा था कि कुछ छूट रहा है मेरे से, मैं ख़त्म हो रही हूँ, ऐसा होता था मुझे। जैसे कोविड गया, काम आया, ऐसा लगा कि पौधे पे पानी दे दिया किसी ने, फिर से हम खिल गए, कॉमेडी कर रहे हैं, वही वाला हाल है। काम से प्यार करिए और समय ना गवाइए। आजकल ना लोग व्यर्थ में समय गवाते हैं, कुछ काम नहीं है तो गप लड़ा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। अरे जो समय आप गवा रहे हैं उस समय में आप अपनी सफलता के प्रयास कर लीजिए, आप अपने लिए कोई बेहतर प्लानिंग कर लीजिए और सफल हो जाइए। यदि आप सफल हो गए ना तो आपके माँ बाप का सपना पूरा हो गया, आपके माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू गिरने लग जाएंगे, मेरा बेटा सफल हो गया। भारती बहन सफल हुई तो माँ बाप खुश हो गए, मेरी बेटी सफल हो गई। सही कहा। आप सफल हुए, आपके माँ बाप रो पड़े, मेरा बेटा सफल हो गया। अरे हर बेटे को चाहिए कि आप सफल होके और अपने माँ बाप को खुश करिए। माँ बाप तब तक खुश नहीं होंगे जब तक आप सफल नहीं होते। सही कहा। तो आपकी डिग्रियां कितनी भी हैं क्या फर्क पड़ता है, आप सफल होइए, आप समाज के काम आइए, आप लोगों के काम आइए, किसी के काम आके दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि आप सफल हो गए। yes. किसी के काम आइए। और सफलता का एक मूल मंत्र,
सफलता मैं तब आपको सफल मानूंगा जब आपके बच्चे की फीस आपके पिताजी ना भर रहे हों, आपकी अपनी कमाई से आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप अपनी कमाई से अपने लिए घर बनाए और पिताजी से कहें पिताजी देखो लोग क्या करते हैं, आज के नौजवान बच्चे महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगी घड़ी, महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, इसकी जरूरत नहीं है। महंगी गाड़ी कितनी भी ले लो, एक साल के बाद वो आधी की हो जाएगी, 10 लाख की गाड़ी 5 लाख की हो जाती है अगले साल, करेक्ट, क्या नहीं होगा आधा। आप एक घर लेंगे ना आज, तो अगले साल वो 1.5 गुना बढ़ जाएगा या 2 गुना बढ़ जाएगा। आज यदि आपने 1 लाख का घर लिया है तो वो 2 लाख का हो जाएगा अगले वर्ष, सही कहा, सही, 3 साल बाद वो 5 लाख का हो जाएगा। इसलिए आप सफल तब माने जाएंगे जब अपने लिए घर ले लेंगे, एक प्रॉपर्टी लेके डाल दीजिए, भले किराए से दे दीजिए, 2 पैसे आते रहेंगे, सफलता के सूचक हैं। करेक्ट, आप बिजनेस करिए, आप अपने बिजनेस में आगे बढ़िए, आप अपने लिए दुकान ले लीजिए, आप अपना कारोबार स्टार्ट कर लीजिए और माँ बाप को सरप्राइज दीजिए कि देखिए मैंने काम कर लिया, माँ बाप खुशी से नाचे, मेरा बेटा सफल हो गया, मेरी बेटी सफल हो गई। ये करिए, ये फैशन में लड़के मोबाइल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी खरीद लड़कों को दे, देखो मैं 1.5 लाख का मोबाइल चलाता हूँ, क्या करोगे मोबाइल, बाप की संपत्ति का है वो, तुम्हारे बाप का, तुम्हारा नहीं है वो, सही कहा। और कल जब ये फोन 2.5-3 लाख का हो जाएगा 5-10 साल बाद, तो आप नहीं खरीद पाओगे क्योंकि आपको तो आदत पड़ी हुई है। आजकल क्या है, लोग जमीन बेच बेच के अपने गाड़ियां खरीद रहे हैं, अपने शौक पूरे कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि आपने जमीन बेच दी गाड़ी के लिए, अपने शौक के लिए, अब मैं कहता हूं कि जो जमीन आपने बेची है क्या आप उसे वापस खरीद सकते हो? इसलिए बाप दादों की संपत्ति बिगाड़नी नहीं चाहिए, बनानी चाहिए, बनानी चाहिए, सही कहा यार। नहीं ये तो, और बहुत कुछ कुछ बच्चे तो समझदार हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों को ये है कि यार अब तो अपने शौक पूरे करने, अब तो पूरे करें, अब तो पूरे, शौक पूरे करना बुराई नहीं है, शौक पूरे करिए, हमने ये नहीं कहा कि शौक पूरी मत, शौक करिए, अपनी कमाई से करिए। बाप की संपत्ति बेच के क्यों करना है कि बाप का घर बेच दिया आपने, बाप का खेत बेच दिया आपने, माँ के जेवर बेच दिया आपने, बाप की चैन बेच दिया आपने और अपने शौक पूरे कर रही है, कौन सी समझदारी है? अरे शौक, मैं भी तो शौक पूरे कर रहा हूं, मैं भी तो, लेकिन मैं पिता की संपत्ति से नहीं, मैं बिगाड़ कर नहीं, मैंने मेहनत करके कार्य किया, मुझे जो शौक है मैं पूरे करता हूं। वैसे भी मेरी कोई विशेष शौक नहीं है, मैं सुपारी भी नहीं खाता, मेरा सिगरेट भी नहीं पीता, मेरा शौक सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी का है, मेरा तो कोई शौक भी नहीं है, लेकिन मैं शौक करूं तो मैं सारे शौक पूरे करूं, लेकिन शौक है नहीं मेरे, मेरा शौक है सेवा का, मैं कितनी माँओं की सेवा कर सकूं। अभी 250 माँ रहती हैं, मेरा शौक है कि 1000 माँओं के लिए आश्रम बन जाए, अभी काम चल रहा है, 1000 वृद्ध माँओं को सहारा मैं दे पाऊं, उनकी सेवा कर पाऊं, 1000 माँओं के लिए भी काम चल रहा है। ओह बहुत बहुत पुण्य का काम है। तो मैं ये शौक रखता हूँ, सेवा का शौक है मेरा। मुझे लगता है कि आप मेरे द्वार पर आए तो मैं आपको कितना अच्छा खिला पिला दूं, कितना अच्छा खिलाऊं आपको। इसलिए गौरी गोपाल गुरु आश्रम में जो भी आता है सबको पेट भर भोजन मिलता है, सारे के सारे 30,000 लोग खाना खाते हैं सब के, ये बिल्कुल झूठ नहीं है, आप आके देखिए ना अपनी आंखों से। हमने आना है, हम आना है, मैंने कहा भी आना, वृंदावन तो आना है, और बहुत बड़ी बात है रोज, और वो इतना खाना खिलाना, वो खाना बनाना, खाना अनाज लाना, वो बहुत बहुत। अब आप ये समझिए कि हमारे यहाँ, अब आप इससे अंदाजा लगाइए, हमारे यहाँ दिन भर का आधी ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली होता है, ट्रैक्टर ट्रॉली, आधी ट्रॉली तो जूठन बचता है रोज। ओहो हो 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 हो, अब इससे अंदाजा लगाइए आप, वाह, आधा ट्रॉली हमारे यहाँ जूठन निकलता, जो 30,000 भक्त खाते हैं ना, तो उनकी थाली में थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग तो कोशिश करते हैं भाई साहब पूरा खा लो, तो कुछ थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा थोड़ा आधी ट्रॉली होता है रोज का, 12 महीने ये सेवा है। और क्या बात है, क्या बात है। लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आप कह रहे हैं 1000 माओं के लिए आप घर बना रहे हैं, मुझे तो यही है कि मैं आप सबको यही कहती हूँ कि हर बेटा अपनी माँ के लिए घर बनाए। एक बेटे पे क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी, आप अपनी माँ को अपने पास रखिए। अगर आप अपनी माँ को घर से निकाल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है आप अपने मंदिर से भगवान को निकाल रहे हैं। बिल्कुल, फिर वो मंदिर किस काम का, वो घर किस काम का जहाँ पे माँ ही नहीं है। सारा पुण्य गुरुजी ले रहे हैं, सही कह रही हूँ ना मैं, आप अपना अपना पुण्य कमाइए ना, सही है, क्योंकि भगवान आपके पास है, आप फिर भी उसको निकाल रहे हो। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।